स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में और आज हम लेकर के आए हैं क्लास ट्वेल्व हंड्रेड मार्क्स इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस यानी कि प्रेस कैसे स्वतंत्र है प्रेस मतलब होता है पत्रकारिता यानी पत्रकारिता कैसे स्वतंत्र है इसके बारे में ड्रोथी एल्सैयर्स ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्याख्या की हैं और बताई हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ फ्री इज द प्रेस नाम का जो चैप्टर है यह क्या है तो यह एक ऐसे है यह एक निबंध है ठीक है ना अगर आपसे ऑप्शन

ठीक है ना नाम से आपको पता भी लग रहा होगा अब बात करते हैं कि इनकी जन्म का यानी कि इनकी जन्म कब हुई तो इनका जन्म हुआ था थर्टीन जून एटीन नाइन्टी थ्री यानी तेरह जून उन्नीस सॉरी तेरह जून अट्ठारह सौ तिरानवे को अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो सत्रह दिसंबर उन्नीस सौ सन्तावन को इनकी मृत्यु हो गई देखिए इस चैप्टर में पत्रकारिता के बारे में खूब बढ़िया तरीके से व्याख्या की है कि कैसे पत्रकारिता को प्रेस को जो है ना कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और कैसे उसका शोषण किया जाता है तो चलिए इस चैप्टर में पत्रकारिता के बारे में बात करते हैं कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस यानी कि पत्रकारिता कैसे स्वतंत्र है इसी के बारे में इन्होंने बताया है तो चलिए इसको समझते हैं तो फाइनली जो हाउ फ्री इज द प्रेस नाम का जो चैप्टर है जिसके फीमेल राइटर हैं ड्रोथी एल सैर्स के द्वारा लिखा गया यह बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इसके प्रत्येक लाइन को हिंदी में करके हम लोग समझें क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही मोटिवेशन से भरा हुआ चैप्टर है अगर इसके प्रत्येक लाइन को अगर आप लोग बढ़िया से समझ लेते हैं तो इससे रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी सो विदाउट एनी लेट लेट्स गो टू स्टार्ट हाउ फ्री इज द प्रेस यहाँ पर इसका हिंदी हुआ कि प्रेस कैसे स्वतंत्र है यानी पत्रकारिता के बारे में बात हो रही है यहाँ पर प्रेस मतलब होता है पत्रकारिता जो न्यूज़ इवेंट करने वाले होते हैं उसको प्रेस बोला जाता है तो पत्रकारिता कैसे स्वतंत्र है इसके बारे में ड्रोथी एल सैयर्स नाम की जो फीमेल राइटर हैं वो इसके बारे में बताना चाहती हैं तो देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस इज़ अ ब्यूटीफुल एसे तो एक बात क्लियर हो गई कि हाउ फ्री इज द प्रेस एक ऐसे है क्योंकि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाता है कि ऐसे है कि स्टोरी है कि स्पीच है तो आप टिक लगाएंगे कि यह एक ऐसे है ठीक है रिटर्न बाई फेमिनिस्ट राइटर ड्रोथी एल सैयर्स ये किसके द्वारा लिखा गया है फेमिनिस्ट राइटर के द्वारा लिखा गया है फेमिनिस्ट राइटर का मतलब होता है फीमेल राइटर बोले तो स्त्री लेखक ठीक है और उनका नाम क्या है ड्रोथी एल सैयर्स एल का मतलब होता है लीग ठीक है ना तो इसलिए पूरा नाम हो जाएगा अब देखिए, शी वॉज द फर्स्ट वोन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहला ऐसा कैंडिडेट थी जो इन्होंने ग्रेजुएट की थी यानी स्नातक की डिग्री ली थी इन दिस में शी एक्सप्रेस व्याख्या करती हैं कौन ड्रोथी एल सैर्स व्याख्या करती हैं हर व्यू अपने विचारों को अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी पत्रकारिता के स्वतंत्रता के पत्रकारिता के स्वतंत्रता के मिसयूज़ के खिलाफ ये अपना विचार व्यक्त करती हैं ठीक है इट इज़ बिलीव्ड या मानना है किनका? बोले तो ड्रोथी एल्स का मानना है डैट कि देयर कैन नॉट बी फ्री पीपुल लोग स्वतंत्र नहीं हो सकते विदाउट द फ्रीडम ऑफ द प्रेस प्रेस के स्वतंत्रता के बिना लोग भी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं बट लेकिन वी मस्ट कंसिडर हम लोग को अवश्य समझना चाहिए हेयर यहाँ वाट डेट फ्रीडम इज स्वतंत्रता का मतलब क्या है फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीन्स इनका कहना है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस बोले तो प्रेस का स्वतंत्रता का मतलब मीन्स मतलब मतलब फ्रीडम ऑफ द प्रेस बोले तो प्रेस के स्वतंत्रता का मतलब फ्रीडम फ्रॉम सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट प्रेस के स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि उन्हें गवर्नमेंट के सेंसरशिप से पूरी तरीका से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट का जो सेंसरशिप बोर्ड चलता है जो गवर्नमेंट का जो सेंसरशिप जो चलता है वहाँ से भी प्रेस को पूरी तरीका से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए पूरी तरीका से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अब चलिए यहाँ पर आप समझ लें कि आखिर गवर्नमेंट का जो सेंसरशिप बोर्ड चलता है वहां से हम क्यों कह रहे हैं कि प्रेस का या फिर ड्रोथी एल सैर्स क्यों कह रही हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता गवर्नमेंट के सेंसरशिप से भी पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए क्यों कहना चाहती तो सबसे पहले यहाँ हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि आखिर सेंसरशिप का मतलब क्या होता है देखिए सेंसरशिप एक बोर्ड है क्या है या एक बोर्ड है तो यहाँ पर ये होता है कि जो भी फिल्म या गाने जो हमारे इंडिया के अंदर बनते हैं फिल्म हो या गाने हो उसकी रिलीजिंग जो होती है ना रिलीज़ होने से पहले इस सेंसर बोर्ड के पास जाते हैं लोग और अपने गाने को देते हैं और बताते हैं कि हमारा ये गाना मतलब है या फिल्म जो बनता है वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो है फिल्म पूरी तरीके से बना करके और ले जा कर के सेंसर बोर्ड को सौंप देते हैं और सेंसर बोर्ड उस फिल्म को शुरू से लेकर अंत तक देखता है या फिर कोई गाना के जो सिंगर हैं ठीक है ना गाना गाने वाले जो सिंगर हैं या फिर लेखक है वो लेकर के जाते हैं सेंसर बोर्ड के पास और जा कर के कहते हैं ये गाना रिलीज होने वाला है तो वो शुरू से लेकर अंत तक सुनता है और सुनने के बाद या फिर फिल्म को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद उसे लगता है कि यहाँ पर ये गलत सीन है या गलत गाना गाया हुआ है जो हमारे समाज के लिए बुरा प्रभाव डालेगा तो उस सीन को या उस गाने के गलत शब्द को काटने की आदेश देता है और कहता है कि यहाँ पर ये गाना रिलीज नहीं होना चाहिए ये चीज़ सुधार कर लिया जाए अन्यथा ये रिलीज नहीं होगा तो यहाँ कुल मिला जुला करके सेंसर बोर्ड का मतलब ये हुआ कि कोई भी गाना या फिल्म रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड उस चीज़ को वेरीफाई करता है और तब जाकर के ये हमारे पूरे देश में जो है ना उस गाने को या फिल्म को रिलीज़ किया जाता है लेकिन यहाँ पर ये ड्रोथी सैयर्स क्या कहना चाहती हैं कि स्वतंत्रता का प्रेस के स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि वो पूरी तरीका से सेंसरशिप से भी स्वतंत्र होना चाहिए इसमें सेंसरशिप या सेंसर बोर्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं है उसे सेंसर बोर्ड या सेंसरशिप जाने की क्या जरूरत है वो क्यों जाएगा मान लीजिए कि यहाँ पर पब्लिक की कुछ बातें हैं जो कहीं ना कहीं से बड़े बड़े लीडर तक पहुंचाना चाहती है ये सरकार तक ये बातें पहुंचाना चाहती है तो वो सेंसर बोर्ड के पास थोड़ी ना जाएगा कि मैं ये बातें सरकार तक पहुंचाने जा पहुंचाने के लिए मैं जा रहा हूं क्या मुझे ये बात कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए या ऐसा थोड़ी ना है कि अगर सरकार कोई काम कर रही है अच्छा कर रही है कि पब्लिक के लिए बेकार कर रही है तो वो सेंसर बोर्ड के पास थोड़ी ना जाएगी कि आप हमें बताओ कि ये चीज़ मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए तो यहाँ पर ये क्या रोथी अल्सैर्स कहती है कि प्रेस के स्वतंत्रता का मतलब ही हो मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के जो सेंसर बोर्ड है वहां से भी उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं द ब्रिटिश प्रेस इज फ्री देखिए यहां पर ब्रिटेन के जो प्रेस है ना जो ब्रिटेन के पत्रकारिता है यहां पर ब्रिटेन के पत्रकारिता को ये बहुत ज्यादा प्रशंसा की है इसलिए ये लिखे हैं कि द ब्रिटिश द ब्रिटिश प्रेस इज फ्री ब्रिटेन के जो प्रेस है ब्रिटिश प्रेस है ब्रिटिश पत्रकारिता है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है इन दिस रिगार्ड इस मामले में इट कैन अटैक पॉलिटिक्स या राजनीतिक पर अटैक कर सकता है आक्रमण कर सकता है इंटरफेयर विद फॉरेन डिप्लोमेसी ये विदेशी कूटनीतियों पर भी हमला कर सकता है ठीक है ना या फिर उसमें इंटरफेयर कर सकता है फ्री टू डू एनी कुछ भी करने के लिए यह स्वतंत्र है सम टाइम इट कैन ऑल्सो बी ए एपन टू एस््योर द गर्मेंट कभी कभी हम लोग पत्रकारिता को हम लोग गवर्नमेंट को डराने का हथियार भी बना सकते हैं ठीक है ना ये ड्रोथी एल सीयर्स कहती हैं एबॉब ऑल द वर्क ठीक है पूरे काम को देखते हुए प्रेस इज़ फ्री प्रेस पूरी तरीका से क्या है स्वतंत्र है टू डू एनी कुछ भी करने के लिए बट लेकिन सम टाइम दिस फ्रीडम इज़ मिस यू लेकिन कभी कभी इस स्वतंत्रता को मैंने प्रेस की स्वतंत्रता को कभी कभी मिसयूज़ किया जाता है यानी पूरी तरीके से अनुपयोग किया जाता है ठीक है बाई द प्रेस यानी प्रेस के द्वारा मतलब क्या होता है कि लीडर जो चाहता है वो प्रेस से बोलता है कि मेरा ये बोला हुआ पब्लिक को दिखाओ ठीक है ना मेरे ये अच्छे अच्छे काम को दिखाओ ताकि पब्लिक हमसे मोटिवेट रहे और हमारी सत्ता बरकरार रहे ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है कहीं ना कहीं से प्रेस को मिस किया जा रहा है कि नहीं प्रेस द्वारा कहीं ना कहीं से इस स्वतंत्रता को मिसयूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है आगे देखेंगे आवर डेमोक्रेसी टीचेज आस डैट द स्टेट इज नॉट द हेड बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल यहां पर रोथी अल सैर्स क्या कहते हैं कि हमारी लोकतंत्रता सिखाती है कि हम जो राज्य है ठीक है ना ये राज्य के जो भी मान लीजिए कि हम लोग जिसको भी वोट करके राज्य का सरकार चुने हैं वो हमारा मालिक नहीं है बल्कि ये लोगों का नौकर है एडवर्टाइजमेंट और एनी टाइप ऑफ न्यूज़ देखिए प्रचार हो चाहे किसी प्रकार का न्यूज़ हो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम यह क्या है कहीं ना कहीं से एक प्रकार का बहुत बड़ा इनकम का स्रोत है फॉर द प्रेस किसके लिए प्रेस के लिए पत्रकारिता के लिए न्यूज पेपर के लिए ठीक है ना? बट लेकिन द आथर प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनकोरेक्ट रिपोर्टिंग ठीक है ना? कहीं ना कहीं से जो हमारी लेखिका हैं जो ड्रोथी एल्सैयर्स है ये गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ ठीक है ना? जो प्रेस द्वारा बाई द प्रेस प्रेस के द्वारा जो गलत रिपोर्टिंग किया जाता है उसके खिलाफ ये ड्रोथी एल बात करती हैं और कहती हैं किसी भी तरह का गलत रिपोर्टिंग नहीं होना चाहिए ठीक है ना न्याय के प्रति सही और बेहतर तरीके से साफ साफ एकदम क्लीन क्लीन जो चीज़ें होनी चाहिए और जो हो रहा है वो चीज़ें दिखानी चाहिए तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया होगा तो लाइक बनता है और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इसका फायदा वो भी उठा सके देखिए आपसे क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट समरी के रूप में पूछ देता है कि इस चैप्टर का शॉर्ट समरी लिखिए तो ये लिखने के लिए काफ़ी आसान होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए जय हिंद